दोस्तों क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में चैप्टर 3 हम लोग जो है करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग जानते हैं कोण के दो मात्रक होते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। तो ये जो सारे मात्रक हमारे डिग्री में दिए हैं इनको हमको किसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है, 25 डिग्री। 25 डिग्री तो इसमें सिंपली हम लोग जानते हैं कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री। या अगर हम लोग ये कहें कि 1 डिग्री हमारा क्या होगा, 1 डिग्री, या इसको ऐसे अगर ऐसे पढ़ें, उल्टा पढ़ें, तो 180 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री लाने के लिए 180 से भाग दे देंगे, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। और यहाँ से अगर 1 रेडियन पूछा जाए कि 1 रेडियन, तो ये क्या हो जाता है हमारा, 180 बाई पाई डिग्री। तो ये दो चीज हम याद रखेंगे कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री को रेडियन में। जैसे मान ले 50 डिग्री है, आपको रेडियन में बदलना है, तो पाई बाई 180 गुणे 50 रेडियन। और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 बटा पाई से गुणा करेंगे। बस ये दो चीज हम लोग याद रखें कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180 से गुणा, पाई बाई 180 से गुणा। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से गुणा, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा। बस सीधी सी बात है, ये हम लोग याद रखेंगे, बस सारा क्वेश्चन हमारा होता चला जाएगा। तो पहले 25 डिग्री है तो रेडियन में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, 25 × π/180 रेडियन। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, किसी जिससे कट रहा हो ये काट दीजिए। हम लोग 5 × 15, 5 × 30, तो ये हमारा क्या आ गया, 5π/36 रेडियन। ये हमारा हो गया 5π/36 रेडियन। यानी 25 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, 5π/36 रेडियन। ये पहला हो गया। सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, ये क्या है, −47 डिग्री 30 मिनट। तो ये हमारा क्या है, 47 डिग्री 30 मिनट। तो ये पूरा पूरा डिग्री में नहीं है, इसमें मिनट भी जुड़ा है। तो जो मिनट है इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, माइनस तो पूरे के बाहर रहेगा, ये 47 डिग्री पूरा पूरा है प्लस 30 मिनट है। और हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है हम लोगों का, 60 मिनट। यानी कहीं पर डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं, सॉरी, हाँ, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। और मिनट को, 1 मिनट को अगर डिग्री में बदलना हो तो ये क्या हो जाता है, 1/60 डिग्री। यानी मिनट को डिग्री में बदलना हो तो 1/60 से गुणा, और डिग्री को मिनट में बदलना हो तो 60 से गुणा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 47 डिग्री तो हमारा पूरा पूरा है, और ये 30 मिनट है, तो इसको हम लोग किस में बदलना चाहते हैं, डिग्री में। तो 1 मिनट क्या होता है, 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट हो जाएगा 30 × 1/60 डिग्री, 30 × 1/60 60 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा −47 डिग्री और +1/2 डिग्री, तो क्या हो गया, −47 सही 1/2 डिग्री। ये हमारा अब क्या हो गया, 47 डिग्री 30 मिनट हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटल डिग्री में कन्वर्ट होगा। अब रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा। तो −47 सही 1/2 डिग्री है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, −47 डिग्री
तीस मिनट बराबर -47 सही 1/2 डिग्री बराबर -47 सही 1/2 गुड़े पाई बाई 180 रेडियन। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 47 दुनी हो जाएगा मैं 40 80 94 और 1/95 2 तो -95 पाई बटा 2 और 180 क्या हो जाएगा 360 रेडियन। और इसको अगर किसी से कटे तो काट देते, 5 से कटता है तो -5 1 5 5 9 45 और 5 7 35 5 2 10 -19 पाई बटा 72 रेडियन ये हमारा हो गया। -19 पाई बटा 72 रेडियन ये सिंपली हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब हम अगले वाले का देखना चाहते हैं 240। 240 का सिंपली हम लोग कर लेंगे, 240 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा आप बदलेंगे तो 240 को यहीं पे लिख लीजिए पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे तो 240 गुणे पाई बटा 180 रेडियन। और ये 0 0 6 3 18 6 4 24 6 4 24 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन। ये सिंपली ये 520 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा 520 गुणे पाई बाई 180 रेडियन। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का सिंपल है जो है हो गया कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बाई 180 से सीधा गुणा करेंगे। और अगर कहीं पे ऐसा हो कि आपका डिग्री के साथ मिनट या सेकंड भी है तो जो मिनट और सेकंड होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे -47 डिग्री 30 मिनट का मतलब कि 47 डिग्री तो आपके पास पूरा पूरा है प्लस 30 मिनट भी है और 30 मिनट को जब डिग्री में बदलेंगे तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री तो 30 मिनट बराबर 30 × 1/60 डिग्री अभी हो गया 30 दूनी 60 1/2 डिग्री -47 सही 1/2 डिग्री या -95/2 डिग्री अब ये हमारा हो गया। अब इसको रेडियन में बदल लेंगे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.1 का ही देखते हैं। ये हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। ठीक है तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से गुणा और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से गुणा क्योंकि हम लोग ये सिंपली हम लोग यहीं से निकालते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री तो 1 रेडियन बराबर पाई से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 180/π डिग्री ये हम लोग याद रखेंगे क्या कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए उसमें 180/π से गुणा कर देते हैं। बस दो चीज याद रखिए आप सिंपली कि अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से और डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से गुणा तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ये 11/16 क्या है ये रेडियन है क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है रेडियन माप के संगत डिग्री माप बताइए तो 11/16 रेडियन है तो इसको डिग्री में बदलेंगे तो 11/16 × 180/π और पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है तो 180 × 11/16 × 22/7 तो 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा हो गया 180 × 11/7/16 × 22। अब इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं 11 × 11 11 × 22 और 2 से इसको काट देते हैं ये 90 90 हो गया और 2 8 16 और ये हो गया 45 तो 45 × 7 यानी 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 28 3 315/8 डिग्री ये हमारा क्या हो जाएगा इतना
डिग्री, ये पूरा हमारा किस में चल रहा है, डिग्री में चल रहा है ये, डिग्री 315/8 डिग्री। अब इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, 315 में क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 315 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो कर लीजिए 315/8, 8 3 24, 75, 8 9 72, ये 3 शेषफल, तो 39 सही, 3/8 ये हमारा कितना आ गया, 39 डिग्री, तो पूरा पूरा आ गया, या ऐसे हम लोग लिखें 39 सही 3/8 डिग्री। या इसमें और कुछ अगर आप बदलना चाहें तो इसको जो है मिनट या सेकंड में भी बदल लेते हैं, तो जो हमारा जो फ्रैक्शन होगा पूरा पूरा उसको अलग कर लेंगे, तो 39 डिग्री हमारा क्या है, पूरा पूरा है, और प्लस हमारा क्या है, फ्रैक्शन वाला 3/8 डिग्री है। ठीक है, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हमने सीधा सीधा क्या किया, 180/π से गुणा कर दिया, और पाई की वैल्यू 22/7, 7 हमारा क्या हो गया, ऊपर चला गया, फिर जो आया उसको भाग दे दिया, तो ये 3 39 बार गया और 3 शेष आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 39 सही 3/8, यानी 39 तो पूरा पूरा है और फ्रैक्शन में हमारे पास कितना है, 3/8, तो 39 डिग्री पूरा प्लस 3/8 डिग्री। अब इसमें हम लोग एक यूज करेंगे, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 डिग्री बराबर हमारा क्या होता है, 60 मिनट, तो 39 डिग्री तो हमारा पूरा पूरा इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री है, तो ये 3/8 × 60 मिनट हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 39 डिग्री प्लस 180/8 मिनट, और 180 में हम लोग क्या करते हैं, 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 × 16 ये 20 हो गया, 8 × 16 4, यानी ये हमारा 22 सही 4/8, यानी 22 सही 1/2, तो ये हमारा क्या हो गया, 39 डिग्री प्लस 22 तो पूरा पूरा आ गया 22 मिनट, और प्लस हमारा क्या आ गया, 1/2 मिनट, यानी फ्रैक्शन जो है मिनट वाला जो फ्रैक्शन में आएगा उसको हम लोग किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे, तो 1 सेकंड, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड, तो 1/2 मिनट को हम लोग बदल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 × 60 सेकंड, तो ये हमारा हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और ये 30 सेकंड, ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो एक क्वेश्चन अगर आप सिंपली समझ लिए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, रेडियन माफ है डिग्री में बदलना है, तो पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 180/π, यानी रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 180/π से गुणा कर देंगे, 11/16 रेडियन है, तो 180/π से गुणा करें तो डिग्री में, फिर पाई की वैल्यू 22/7 रख के, अब ये 315/8 आ गया, अब 315 में हम लोग 8 से भाग देंगे, तो 8 3 24, ये हमारा 39 तो पूरा पूरा बच गया, अब 3 हमारा शेषफल हो गया, तो 315/8 को हम लोग क्या लिख देंगे, 39 सही 3/8, तो ये हमारा क्या हो गया, 39 सही 3/8 डिग्री, तो 39 तो पूरा पूरा है और प्लस हमारा क्या है, 3/8 डिग्री है, 3/8 जो फ्रैक्शन वाला है इसको हम लोग किस में बदलेंगे, मिनट में, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री बराबर 3/8 × 60 मिनट, तो ये हमारा हो जाएगा 39 डिग्री प्लस ये क्षेत्रीय का 18 180/8 मिनट। ठीक है, अब 180 में हम लोग 8 से भाग देंगे, तो ये 22 तो पूरा पूरा आ गया, और 4/8 जो है, 22 सही 4/8, यानी 22 सही 1/2, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 22 तो पूरा पूरा आ गया 180/8 में, 22 मिनट, और 1/2 जो है मिनट अलग कर लिए, फिर 1/2 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड, तो 1/2 × 60 सेकंड हमारा हो जाएगा, तो ये 30 सेकंड, यानी 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ये हम लोगों का कन्वर्जन हो गया जो पहला हम लोगों का था, माइनस ये जो है 11/16 रेडियन को हम लोगों ने किस में बदल लिया, डिग्री में बदल लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा जो है सेकंड भी बदल लेते हैं, चलिए -4 रेडियन है, -4 रेडियन सेकंड पार्ट हम लोग भी देख लेते हैं, -4 रेडियन को बदलना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -4 ये क्या है, रेडियन है, इसको डिग्री में
बदलना है। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए सीधा सीधा हम लोग क्या जानते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा कर देते हैं, तो ये 180 बटा पाई और माइनस जो है पूरे के बाहर आएगा इतना डिग्री, तो ये -4 × 180 बटा पाई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 × 4 × 180 बटा 22, ये हमारा -2 × 4 = 2, 11 = 22, तो -14 × 180 बटा 11, ये हम लोग जो है ये किसी से कटेगा नहीं, 18 14 को गुणा कर लेते हैं, 4 32 3 4 8 1 2 5, 252, ये क्या हो गया -2520 बटा 11, ये हमारा किस में चल रहा है, ये हमारा डिग्री है, ये हमारा डिग्री है, यानी -4 रेडियन हमारा क्या हो गया, -2520 बटा 11 डिग्री। अब 2520 को हम लोग क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे, तो 11 × 22 = 3, 32, 11 × 33 दो बार जाएगा, 22 × 10 हो गया और 1 0 यहाँ पे था उतर जाएगा, 11 × 9 = 99 और 1 शेषफल बच गया, तो ये हम लोग -2520 बटा 11 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस तो पूरा बाहर लिखते हैं, 229 डिग्री तो हमारा पूरा पूरा आ गया, और प्लस हमारा क्या है, 1/11 डिग्री, 1/11 डिग्री। अब हम लोग फिर क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन वाला डिग्री होता है इसको किस में बदलते हैं, मिनट में बदल लेते हैं, तो 1 डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 60 मिनट, तो ये हमारा 229 -229, ये जो 229 है ये तो ऐसे लिखा रहेगा, और 1/11 × 60, और ये हमारा किस में बन जाएगा, मिनट में, तो ये हमारा हो गया -229 डिग्री, और ये 60/11 मिनट, तो 60/11 मिनट को हम लोग 11 से भाग देंगे, तो 11 × 5 = 55 और 5 से शेषफल आ गया, तो 60/11 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 सही 5/11, तो 5 तो पूरा सही सही आ गया, यानी 5 मिनट हमारा पूरा पूरा आ गया, और प्लस 5/11 मिनट हम लोगों का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 5/11 मिनट को किस में बदलेंगे, सेकंड में, तो 229 डिग्री 5 मिनट और 5/11 को हम लोग किस में बदलेंगे, सेकंड में, तो 60 से गुणा जब करेंगे तो ये हमारा किस में बदल गया, सेकंड में, तो ये -229 डिग्री 5 मिनट और ये 300/11, 300/11, 11 × 22 80, 11 × 7 = 77, 27, सॉरी ये 5 मिनट और 27 सेकंड, ये हमारा क्या आ गया, लगभग, ये जो है हमारा सेकंड का आंसर हो गया, जिसको -4 रेडियन को हम लोगों ने बदला, ये हमारा -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। तो इसमें हम लोग हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग यही करेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180/पाई से गुणा कर देंगे, तो -4 रेडियन था, तो ये हमारा क्या हो गया, -4 × 180/पाई, बस, और पाई की वैल्यू 22/7, उसके बाद हम लोग भाग देंगे तो जो पूरा पूरा आएगा जैसे, तो वो तो डिग्री में हो गया, और जो फ्रैक्शन डिग्री है, जो फ्रैक्शन में आएगा डिग्री, उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में बदल लेंगे, तो 2520 आया गुणा करने पर, और 11 से जब भाग दिए तो 229 तो पूरा पूरा आ गया, और बाकी 229 और 1/11 फ्रैक्शन में आ गया, तो 229 प्लस 1/11 हम लोग लिख लिए, और 1/11 जो फ्रैक्शन वाला है इसको हम लोग किस में बदल देंगे, मिनट में बदल देंगे, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो इतना मिनट, इतना डिग्री बराबर इतना गुणे 60, 1/11 × 60, फिर ये 60/11, फिर 60 में 11 से भाग देंगे, तो 5 तो पूरा पूरा आ गया 5 मिनट, और प्लस जो अगला फ्रैक्शन जो मिनट में आएगा उसको हम लोग किस में बदलेंगे, सेकंड में, तो 5/11 है, तो इसको हम लोग क्या किए, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा सेकंड में हो गया, तो -229 डिग्री 5 मिनट और ये लगभग 27 सेकंड, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो ये इसमें एक दो क्वेश्चन और है, जैसे आपका 5π/3 और 7π/6 जो है, तो अब सिंपली हम लोग जो है ऐसे कर सकते हैं, या जो है इसमें कुछ भी नहीं करना है हम लोग को, जो सिंपली ये समझ में आ गया 5π/3
और 7π/6 को भी हम लोग ऐसे कर लेंगे, देखिए करके दिखा दे रहे हैं सिंपल सा। थर्ड जो हमारा क्या है 5π/3 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5π/3 और रेडियन है इसको डिग्री में बदलना है, तो हम लोग क्या करते हैं 180/π से गुणा करते हैं, 180/π, तो ये किस में बदल जाएगा डिग्री में, ये पाई पाई खत्म हो गया, 18 × 5 = 90, 900/3 डिग्री, और ये हमारा क्या हो गया 3 से भाग दिए 300 डिग्री, सीधा सीधा आ गया। चौथा हमारा क्या है 7π/6 रेडियन है, 7π/6, तो 7π/6 गुणे 180/π डिग्री हो गया, और ये पाई पाई खत्म हो गया, 7 × 180 में 6 से काट दिए तो क्या हो गया 30 हो गया, और ये माया 3 × 7 = 210 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो या रेडियन को डिग्री में, तो सिंपल से हम लोग कर लेंगे।